पोंग डैम में संदिग्ध हालातों में मृत पाए गए प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद पशुपालन विभाग भी सतर्क हो गया है। भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद कांगड़ा में पशुपालन विभाग की ओर से रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जा चुका है और बाकायदा ये टीम मौके पर भी डट चुकी है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजीव दीवान ने बताया कि पोंग डैम उनकी टीम मोर्चा संभाल चुकी है, लेकिन देखने में ये आया है कि अभी बर्ड फ्लू का कोई भी मामला जानवरों में नहीं देखा गया। वैसे भी पक्षियों के जरिए मवेशियों में इस फ्लू के फैलने का खतरा ना के बराबर ही रहता है, मगर ये खतरा इंसानों के फैलने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इंसान मांसाहारी होता है और अगर गलती से इंसान की ओर से अफेक्टेड मीट या अंडों का सेवन किया गया तो ये फ्लू उनमें भी हो सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब विभाग की ओर से पोंग डैम की पेरिफेरी को पूर्णतः सील करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पोल्ट्री समेत अंडों और मछलियों का कारोबार करने वालों को भी फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है। भी नगरोटा सूर्य में जिला पुलिस प्रशासन की ओर से अपने काबिल अफसर सुरेंद्र सिंह राणा को बतौर इंचार्ज मौके पर आर्मर्ड फोर्स के साथ डिप्लॉय कर दिया है, ताकि वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। सुरेंद्र सिंह ने राणा ने बताया कि बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को मद्देनजर रखते हुए एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने उन्हें दिशा निर्देश जारी करते हुए अतिरिक्त आर्म्ड फोर्स मुहैया करवा दी है और पोंग डैम की लंबी चौड़ी पेरिफेरी में सख्त पहरा देने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि यहां हर हरकत को संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़े तो संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये फोर्स जो है ना, ऐसा है कि ये जो हमारा पोंग व्यू है, पोंग डैम है, ये बहुत बड़ा एरिया है और टोटली एरिया जो है यहाँ से नगरोटा सूर्या से लेकर नंदपुर तक जो पूरा ओपन है। हम किसी भी तरह से, हमने पब्लिक के ऊपर जो हमने तो पूरी तरह से पब्लिक को आगाह कर दी है, वो हमने ब्रॉडकास्टें भी की है, हर चीज़ की है कि कोई भी अपना व्यक्ति जो है पोंग डी झील के तरफ नहीं जाए। बर्ड फ्लू फैला हुआ है, इससे जो है कोई भी बीमारी लग सकती है और मनुष्य जाति में भी आ सकती है, मगर जो मवेशी पशु हैं, लावारस हैं, उनके लिए हमारी थोड़ी जैसी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हमने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है, प्रधान को भी सूचित करते हैं, कंसर्न प्रधान जितनी भी पंचायतें हमारी पोंग डीम के आसपास बढ़ती है उनको हमने सूचित कर दिया है कि जो भी है इनके लिए आप हर संभव हमारी सहायता करें, पुलिस आपके लिए हर संभव तैयार है, जो भी हमारे लायक सेवा होगी दिन रात हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बारे में आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि विभाग द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम्स का गठन जो है कर दिया गया है और अभी तक जो पोंग डैम का एरिया है उसमें हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी जो पक्षी हैं, उनमें जो है मॉर्टेलिटी देखी गई है और उसमें 2000 से ज़्यादा जो है प्रवासी पक्षी जो हैं वो मृत पाए गए हैं। अभी तक जो हमारी फील्ड से जो रिपोर्ट आई है, अभी तक एक भी पोल्ट्री डेथ जो है वो नहीं हुई है और इस संदर्भ में हमने लगभग 119 सैंपल जो हैं वो हमने जलंधर जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, उसकी एक या दो दिनों के अंदर जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो बीमारी है प्रवासी पक्षियों से कहीं हमारी पोल्ट्री में तो नहीं चली गई है। अगर हमारी अगर ये रिपोर्ट कुछ पॉजिटिव आती है तब हमारा जो है नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हम 1 किलोमीटर के अंदर जो है जो भी बर्ड्स होंगे एपिसेंटर के जो 1 किलोमीटर के अंदर, उनको हमें कलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और साथ ही अगर हमारे जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आते हैं तो उनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन भी, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है वो भी विभाग द्वारा जो है की जाएगी। तो इस संदर्भ में विभाग द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू जिसे हम बोलते हैं, ये जानवरों में नहीं है। ये हालांकि ये जो बीमारी है ये पक्षियों से आदमी में जा सकती है, परंतु इसका जो अभी तक देखा गया है कि पिछली शताब्दी में सिर्फ 4 बार जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी आउटब्रेक जो नोट की गई है। हिंदुस्तान में पहली बार जो है हमारे देश में वो 2005 में इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, वो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक्शन प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली ही विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जो पोंग डैम एरिया है वहाँ पर प्रवासी जो पक्षी हैं इनकी मृत्यु हो रही है, उसके बाद जो है
उनकी जो डेड बॉडीज हैं, उनका कार्कस है, उसको डिस्पोजल के लिए विभाग को दिशा निर्देश हुए हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार ही जो है उसका जो डिस्पोजल जो है विभाग द्वारा, विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि इन्फेक्शन जो है वहाँ से आगे नहीं फैले। 3 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर निकाले गए हैं, जिसमें हमारे जो पोंग डैम के एरिया है, उसके जो बॉर्डर एरिया है डैम के साथ साथ कर लगता है, उसमें सभी तरह की आवाजाही जो है उस पर रोक लगा दी गई है। हाँ, ये एक अंदेशा बना रहता है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया होने के कारण कई बार हमारे कोई भी पशु वहाँ पर, आवारा पशु वहाँ चला जाए, या आप जैसे बात कर रहे हैं कि डॉग्स वगैरह, तो ये एक चांस बना रहता है। परंतु उसमें हमें ये अपेक्षा रहेगी, हमारी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, आम जनता, उससे हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा कोई उनकी नज़र में अगर आता है कि कोई आवारा कुत्ता वहाँ घूम रहा है या आवारा जानवर है, तो इस बारे में आप एकदम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करें, हमारे विभाग के हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल से वहाँ पर रिपोर्ट करें, या वाइल्ड लाइफ विंग्स के जो भी हैं। तो हमारे अगर जैसे ही हमारे नोटिस में आती है चीज़, तो हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे।